हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम 3 मॉक टेस्ट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। सो आज हम 4th मॉक टेस्ट करेंगे। द आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, अपने जो स्कोर है वो जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन्स ऑफ दिस पार्ट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी फ्री। ऑप्शंस आर आर्टिकल 301, आर्टिकल 302, आर्टिकल 303, आर्टिकल 304। रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइज। ओके, आई होप सबने अपना आंसर लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है, दे कैन पॉज द वीडियो। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन आर सुंदर राम, सुकुमार सेन, सी ऑप्शन इज के एम मुंशी, डी ऑप्शन इज एन गोपाल। लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन। द वर्ड आर्म्ड रिवेलियन हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अंडर आर्टिकल 352 बाई विच अमेंडमेंट। ऑप्शंस आर 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। अगर नहीं भी आता है देन ऑल्सो ट्राई टू आंसर इट। आई होप सबने आंसर लिख लिया है। लेट्स मूव ऑन टू 4th क्वेश्चन। द प्रेजिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स वैलिड इन अ स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 years, 3 years। लेट्स सी आर 5th क्वेश्चन। द प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी। ए ऑप्शन इज इफ देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन इज टू मेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंडक्टिंग वॉर्स। सी ऑप्शन इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट ऑप्शन इज इफ अ मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स सो रिकमेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड टू बाय। ऑप्शंस आर 1st अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। लेट्स सी आर 7th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, बी ऑप्शन इज मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन इज गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, लास्ट ऑप्शन इज विमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
लेट सी आर 8th क्वेश्चन. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शंस आर राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी. बी ऑप्शन इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी ऑप्शन इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. I hope all of you have written your answer. Let's see our 9th question. Which amendment of the constitution gave primacy to fundamental rights over to directive principles over fundamental rights? 1st amendment, 7th amendment, 42nd, 64th. Let's see our last question. The 45th amendment of the Indian Constitution relates to. Options are Minorities Commission. B option is Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. C option is Extension for Reservation of Seats for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. D option is none of the above. आई होप आप सब ने अपने आंसर्स लिख लिए हैं सारे क्वेश्चंस के. सो लेट्स सी आंसर्स मैच कर लो अपने. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 301. ठीक है, आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री. सो फर्स्ट का आंसर है ए ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज सुकुमार सेन. ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 44th अमेंडमेंट. ठीक है, बाय दिस अमेंडमेंट जो वर्ड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन हटा के अंडर आर्टिकल 352. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है गाइस डी ऑप्शन, दैट इज 3 years, मैक्सिमम पीरियड 3 years का हो सकता है. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन. ठीक है, प्रेसिडेंट तब डिक्लेयर कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया. सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट. ठीक है, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट. आप सारे शेड्यूल्स लर्न कर लेना, ऑल द शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी ऑप्शन, दैट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो सेवन्थ का आंसर है बी ऑप्शन. एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, जो राज नारायण वर्सेज इंदिरा नेहरू गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, बाय दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रीमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स. टेंथ क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज एक्सटेंशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. आई होप आप सब ने अपने आंसर्स मैच कर लिए हैं. प्लीज़ शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. लेट सी कि आपको कितना स्कोर आ रहा है. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज. ऑल दीज क्वेश्चन जितने भी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ या फिर हम जो MCQs डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट पे और बाकी लॉ सब्जेक्ट्स पे, ऑल दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये सारे MCQs सॉल्व कर लेते हो उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो या फिर थ्योरी पढ़ते हो अपने एग्जाम, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड.